या राजनीतिक मर्यादा का पाठ सिर्फ राहुल गांधी के लिए? क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई राजनीतिक मर्यादा नहीं है? क्या धार्मिक मर्यादा का पाठ सिर्फ शंकराचार्य को पढ़ाया जाएगा मगर भाजपा के लिए कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है? न कोई ताकत, न कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद में तेरे। आज शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे धार्मिक मर्यादा का पाठ पढ़ाने वाली बीजेपी पहले धर्म के मामले में दखल देना बंद करे। उन्होंने सीधा प्रहार किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि वो हमारे धार्मिक मामलों में दखल देना बंद करें तो मैं राजनीतिक मामलों में बयान देना बंद कर दूंगा। नाराज है शंकराचार्य। और आज मैं धार्मिक और राजनीतिक मर्यादा की बात क्यों कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आपके स्क्रीन पर यह है अमित मालवीय, भाजपा का प्रवक्ता है, और इसने दो आपत्तिजनक बयान दिया मगर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इसने पहले इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या को जायज ठहराया है यह कहते हुए कि भाई इन दोनों ने कुछ राजनीतिक फैसले लिए थे इसलिए इनकी हत्या हुई। और बात वहां नहीं रुकी, ट्रंप पर गोली चलती है और यह आदमी निशाना साधता है राहुल गांधी पर। लगातार इस तरह के विवादास्पद बयान भाजपा के नेता देते हैं। राहुल गांधी ने तो हिंदुओं का अपमान भी नहीं किया था, मगर याद कीजिए दोस्तों किस तरह से राहुल गांधी के बारे में दुष्प्रचार किया गया था कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक बताया, जबकि राहुल गांधी ने भाजपा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस की सोच को हिंसक बताया था। मगर आज बहुत जरूरी हो जाता है कि हम सुने शंकराचार्य क्या कह रहे हैं, उनके तीन बयान एक के बाद एक। सबसे पहले पत्रकारों ने उनसे पूछा कि भाई आप राजनीतिक मामलों में क्यों दखल दे रहे हैं। दरअसल उनकी आलोचना इसलिए हो रही है क्योंकि वो उद्धव ठाकरे से मुलाकात करते हैं और मुलाकात के बाद कहते हैं कि भाई उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है, उनकी पार्टी को दो फाड़ कर दिया गया, उनकी सरकार को गिरा दिया गया, और हिंदू धर्म में जो शिक्षा दी जाती है ये उसके अनुरूप नहीं है। उन्होंने एक तरह से समर्थन किया उद्धव ठाकरे का। भाजपा को उनके इस बयान से मिर्ची लग गई। फिर क्या था, सारे पालतू पत्रकारों को शंकराचार्य के पीछे लगा दिया गया। सुनिए फिर उन्होंने किस तरह से नसीहत दी प्रधानमंत्री को। हम सब लोग हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के पालन करने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ पुण्य पाप की भावना बताई गई है। सबसे बड़े पाप गौ घात आदि बताए गए हैं, लेकिन उससे भी बड़ा घात विश्वासघात बताया गया है। आपके जो उद्धव ठाकरे जी हैं, इनके साथ विश्वासघात हुआ है और इसी बात की पीड़ा बहुत सारे लोगों के मन में है। तो आज हम यहाँ पर उनके अनुरोध पर आए, उन्होंने स्वागत किया, हमने उनसे ये कहा है कि हम सबके मन में इस बात की पीड़ा है कि आपके साथ विश्वासघात हुआ। जब तक पुनः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते, तब तक हम लोगों के मन का ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, ये दूर नहीं हो सकती है। तो उन्होंने कहा है कि जैसा आप लोगों का आशीर्वाद होगा हम करेंगे। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद आज से नहीं, याद कीजिएगा जब 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब से कुछ असहज करने वाले सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई प्राण प्रतिष्ठा का ये वक्त नहीं है, आप सिर्फ राजनीति के लिए प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, वोट हासिल करने के लिए प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं और इससे किसी का फायदा नहीं होगा। आज शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इस बात की याद दिला रहे हैं कि किस तरह से भाजपा को करारी हार का सामना उत्तर प्रदेश में करना पड़ा। जहां रामलला बैठे हुए वहां से छत टपक रही है, वो ये तमाम चीजों की याद दिला रहे हैं। भाजपा के लिए शंकराचार्य आंख की किरकिरी इसलिए भी है क्योंकि वो केदारनाथ के सोने का जिक्र करते हैं, कहते हैं कि कहां गायब हुआ 228 किलो सोना, और 228 किलो सोना अब 23 किलो कैसे रह गया। याद कीजिए उन्होंने क्या सवाल उठाए थे, सुनते हैं। हम लोगों को जहां भी जा रहे हैं वहां पर लोग पूछ रहे हैं कि केदारनाथ का सोने वाला मामला क्या है। जब 230 किलो सोना वहां पर लगाया गया था तो फिर अब वो 23 किलो कैसे हो गया, ये भी लोग पूछ रहे हैं। और ये भी पूछ रहे हैं कि जब सोना लगाया था तो तांबा कैसे हो गया। बात तो सही है, ये ऐसा विषय है कि भगवान से धोखा किया गया है। अगर दान देने वाले जो लोग हैं उनसे, उन्होंने अगर ये किया है
भगवान के प्रति धोखा किया है तो भी बहुत गजब की बात। और अगर वहां पर काम करने वाले लोगों के द्वारा, कार्यदायी लोगों के द्वारा अगर ये किया गया, अथवा बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति नहीं देख पाई या वो उसमें सम्मिलित है, इस तरह के कितने सारे प्रश्न उठ जा रहे हैं। और ये कोई छोटा मामला नहीं है, एक तो बहुत लंबे अमाउंट का मामला है, भगवान से धोखे का मामला सबसे बड़ा है। एक रुपए का भी धोखा हो कोई व्यक्ति किसी से कर ले तो एक बार उसको क्षमा किया जा सकता है, लेकिन केदारनाथ भगवान से, वो भी स्वयंभू, वो भी सबसे ऊंची जगह पर जो विराजमान भगवान केदारनाथ है, जहां जाने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उन भगवान से अगर किसी ने धोखा किया है तो उसको तो सामने आना ही पड़ेगा। और स्वामी अविवेकेश्वरानंद लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने ये तक कह दिया कि प्रधानमंत्री का मैं हितैषी हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री के हाथों जो गलत चीजें हो रही हैं, जब वो जाएंगे ऊपर यमराज के सामने खड़े होंगे, जब उनके कर्मों का हिसाब होगा, तब वो क्या जवाब देंगे, इसीलिए मैं प्रधानमंत्री का हितैषी हूं। सुनिए उन्होंने क्या कहा, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमसे बड़ा नरेंद्र मोदी का कोई हितैषी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोग उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखते हो, नेता के रूप में देखते हो। हम ये देखते हैं कि कल को इसका भी प्राण छूटेगा, कल इसका भी शरीर छूटेगा, और जब ये यमराज के दरबार में खड़ा होगा तो ये क्या कहेगा, क्योंकि इतने पाप इसके हाथ से करवा लिए जा रहे हैं, इतनी मूर्तियां तोड़वा ली जा रही हैं, इतनी गायों की हत्या करवा ली जा रही है, ये सब करवाए जो अशास्त्रीय कार्य किए जा रहे हैं, धर्म विरुद्ध कार्य इसके हाथ से करवा लिए जा रहे हैं, उसका ये क्या जवाब देगा यमराज के दरबार में। तो हम तो उनके लोक का भी सोच रहे हैं, उनके परलोक का भी सोच रहे हैं, तो इसलिए हमको समय समय पर आप लोगों के माध्यम से उनके गलत कामों के लिए कड़क से कहना पड़ता है, लेकिन हमारे मन में उनके लिए मैल नहीं है। हम उनका अच्छा चाह करके वो ये बात कहते हैं, लेकिन क्या करें, आजकल तो जो सच कहे, जो आपके हित की बात कहे, वही कड़वी बात आप स्वीकार ही नहीं करना चाहते हो, आप समझते हो ये हमारा दुश्मन है, तो आप दुश्मन मान के बैठे रहो। लेकिन उन्होंने आकर के हमको प्रणाम किया, हमको लगा कि इनके मन में भी अब कुछ सफाई हुई होगी, इन्होंने शायद हमारी बातें समझी होंगी, तभी तो अब कड़वाहट नहीं मान रहे हैं। तो हमने उनको मन से आशीर्वाद दिया, अपने गले की पहनी हुई माला, गले की माला पहनी हुई शिष्य को पहनाई जाती है और किसी को नहीं पहनाई जाती है, ये बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन हमने वो उनको प्यार से पहनाई और उनको आशीर्वाद दिया। भगवान उनको और ऊंचा पहुंचा दें और उनके अंदर शक्ति दें कि उनके हाथों से जो गलत काम उनके चट्टे बट्टे करवा रहे हैं वो कम से कम इस मामले में कड़क हो जाएं जैसे हम कड़क हैं। दोस्तों मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मेरा ये मानना है कि ना धार्मिक लोगों को राजनीतिक मामलों में दखल देना चाहिए, ना राजनीतिक लोगों को धार्मिक मामलों में दखल देना चाहिए। मसलन जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो पूरा कैमरा सिर्फ प्रधानमंत्री पर फोकस था, ये सरासर गलत था। उस मौके का इस्तेमाल भाजपा ने वोट हासिल करने के लिए किया, मगर समानांतर तौर पर क्या हो रहा था, अयोध्या की आसपास की जमीनें भाजपा के करीबी लोग खरीद रहे थे औने पौने दामों में और बेच रहे थे। ये बात अलग है कि पिछले 7 सालों से अयोध्या की जमीनों का सर्कल रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं आई, राम पथ बनाने के लिए लोगों को बेघर किया जा रहा था, ये सब हो रहा था। कहने को प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा में शिरकत कर रहे थे मगर आम इंसान की हालत बद से बदतर थी। इसीलिए 22 जनवरी को आप जो भी कर रहे थे उसका मकसद सिर्फ राजनीति था, उसका लोगों के परोपकार से कोई लेना देना नहीं था, वो मामला धार्मिक था ही नहीं, उसका मकसद सिर्फ राजनीति करना था, वोट बटोरना था। इसीलिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद नाराज। उसी तरह से मुझे लगता है कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को इस तरह से उद्धव ठाकरे से नहीं मिलना चाहिए, और वो जो उन्होंने बयान दिया कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है, मैं समझ सकता हूं कि पूरा भाजपा का प्रचार तंत्र उनकी जान का दुश्मन बना हुआ है, उन पर लगातार निशाना साधा जाता है। स्वामी जी के बारे में मैं जानता हूं, एक अरसे से जानता हूं मैं, बहुत इमोशनल है, दिल से सोचते हैं, और उनके दिल और दिमाग में ज्यादा फर्क नहीं है, इसीलिए वो इमोशनल होकर भी कई बातें कह देते हैं, मगर मुझे अब भी लगता है कि उन्हें इस तरह से राजनीतिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। मगर उसका वो तर्क क्या दे रहे हैं कि भाई आप हमारे धार्मिक मामलों में दखल देना बंद कर दें तो मैं राजनीतिक बयान देना बंद कर दूंगा। हकीकत यही है दोस्तों कि वोट हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री धार्मिक मामलों में दखल देते हैं और स्वामी जी फिर उसके बाद उद्धव ठाकरे से मिलते हैं। ये दोनों ही चीजें सही नहीं हैं, मगर बड़ी बात यह है कि शंकराचार्य के मुकाबले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जवाबदेही आम जनता के प्रति कहीं ज्यादा है। जी हां, कहीं ज्यादा है। शंकराचार्य एक धार्मिक गुरु है,
उनकी जवाबदेही धर्म को लेकर है, मगर प्रधानमंत्री की जवाबदेही शासन को लेकर है। प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं जवाबदेही देनी होगी कई मुद्दों पर। मसलन हम देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों में जम्मू कश्मीर में हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, मगर क्या प्रधानमंत्री ने उस पर कुछ भी कहा? बिल्कुल नहीं। यानी कि शासन से जुड़ी मर्यादा का लगातार पालन भाजपा नहीं करती, प्रधानमंत्री तो उस पर बयान ही नहीं देते, जो अपने आप में कितनी शर्मिंदगी वाली बात है। मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं, कल 4 जवान हमारे फिर शहीद हुए जिसमें एक कैप्टन शामिल है, क्या प्रधानमंत्री ने कोई बयान दिया? अब तक जम्मू में लगातार हमारे सैनिकों पर निशाना साधा जा रहा है, क्या प्रधानमंत्री ने अब तक एक भी बयान दिया? ये सवाल किए जाएंगे और आपको इन बातों का जवाब देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, राजनीतिक मर्यादा, इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। राहुल गांधी ने हिंदू धर्म का अपमान भी नहीं किया था, मगर उनके बारे में प्रचार चलाया गया कि हिंदू धर्म का अपमान किया गया, मगर यह आदमी आपकी स्क्रीन पर, यह अमित मालवीय। इस वक्त सोशल मीडिया पर दो नाम ट्रेंड कर रहे हैं, एक अमित मालवीय और एक इंडिया टुडे का पत्रकार राहुल कंवल। अमित मालवीय ने इंडिया टुडे के मंच पर एक बहुत ही भड़काऊ बात कही। यह कही कि भाई इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या उनके राजनीतिक फैसलों की वजह से की गई, बताइए। और फिर ट्रंप पर गोली चलती और यह आदमी राहुल गांधी को घसीटने की कोशिश करता है। सबसे शॉकिंग बात, यह बात वो इंडिया टुडे पर कहता है, मगर जो एंकर होता है राहुल कंवल, वो दखल तक नहीं देता है, वो उसे काउंटर तक नहीं करता कि तुम हिंसक बात कह रहे हो। और उससे भी ज्यादा शॉकिंग बात, फिर वो अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उसी बयान को दोबारा पेश करता है। आप देख रहे हैं गोदी मीडिया किस तरह से भाजपा की सुपारी लेकर विपक्ष को बदनाम करता है, और ये बार बार किया जा रहा है। दोस्तों मैं आपको सुनाना चाहता हूं अमित मालवीय ने कहा क्या था। And before the Congress claims that their own leaders have got assassinated, I want to remind them that they were assassinated for political decisions that they took. अब ये बताइए, ना पत्रकार ऐसे वाहियात बयान के लिए भाजपा के प्रवक्ता को कटघरे में रख रहा है, और दूसरी तरफ सारी मर्यादा का पाठ सिर्फ विपक्ष के लिए, सारी मर्यादा का पाठ राहुल गांधी, तेजस्वी अखिलेश यादव के लिए, कोई मर्यादा का पाठ जो है इन लोगों को नहीं पढ़ाया जाएगा। कांग्रेस ने इस बात को लेकर शिकायत भी की है जेपी नड्डा से, उन्होंने बाकायदा ये खत लिखी, मगर आप जानते हैं दोस्तों इस खत का पालन नहीं होगा। आपको याद होगा रमेश विधुड़ी पूर्व सांसद, संसद के अंदर उन्होंने दानिश अली जो सब बीएसपी के सांसद थे न जाने किन किन शब्दों से नवाजा था। क्या जेपी नड्डा ने उन्हें लताड़ लगाई? नहीं, टिकट काट दिया, ये बात अलग है, मगर क्या कोई बयान भाजपा ने दिया? बिल्कुल नहीं। अब कांग्रेस ने अमित मालवीय की शिकायत की है, पवन खेरा का बयान आपकी स्क्रीन पर। भाजपा प्रवक्ता अमित मालवीय द्वारा की गई असंवेदनशील टिप्पणी, जिसमें भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों और अन्य सम्मानित नेताओं के बलिदान को नीचा दिखाया गया, उससे 15 जुलाई को राहुल कंवल द्वारा होस्ट किए गए टेलीविजन शो में चुनौती नहीं दी गई। कांग्रेस प्रवक्ता को अपना जवाब पूरा करने से रोका गया और एंकर द्वारा बार बार बीच में टोका गया। इसके अलावा एंकर ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर इन टिप्पणियों का समर्थन और प्रचार किया। आज सुबह हमारे द्वारा यह सवाल करने के बावजूद कि उन्होंने ट्वीट क्यों नहीं हटाया, इसका अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। स्पष्ट है कि उनका खुद को या अपने चैनल को इस विवादास्पद बयान से दूर रखने का कोई इरादा नहीं है। दुर्भाग्य से ऐसा लगता है कि कुछ लोग अभी भी 4 जून 2024 के महत्व को समझने में विफल रहे हैं। हमें घोषणा करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अब राहुल कंवल के शो में भाग नहीं लेंगे, मगर विपक्ष भी जानता है कि इसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकते हैं। दुख की बात यह है दोस्तों कि ये इंडिया टुडे ग्रुप है, इस ग्रुप को मैंने अपने 5-6 साल दिए हैं। जी हां, ये वो ग्रुप है जहां से इंडिया टुडे पत्रिका आई, जिसे पढ़कर हम बड़े हुए। ये वो ग्रुप है जहां पर न्यूज ट्रैक की शुरुआत हुई, इस देश की पहली स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनिक मैगजीन। याद है उसके कैसेट्स आया करते थे मंडल कमीशन, राम मंदिर के दौरान, बाबरी के दौरान। आज ये हालत हो गई है कि उनके जो मालिक है अरुण पुरी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कहते हैं कि हमारी दुकान तो आपकी वजह से चल रही है। ये हालत है इन लोगों की, इनका पत्रकारिता से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। ये अपनी मर्यादा तो आज से कई साल पहले उसे लांघ चुके हैं, मगर जैसे मैंने कहा ना, मर्यादा का पाठ सिर्फ राहुल के लिए
और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के लिए शर्म तुमको मगर आती है। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।